और एक बात बताऊँ, सच्ची दुआ यही होता है। जिस दोस्त ने आज मेरे को उस वक्त ये कपड़ा दिया था, वो आज बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर है और सरकारी ऑफिसर है पश्चिम बंगाल में। तो मुझे खुशी है कि हमारा वो दोस्त बहुत बड़ा अफसर बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। भैया कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और पूरे परिवार के साथ खुश हाल में होंगे। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काम जो है बहुत ज़्यादा है। क्या है कि सावन की महीना चल रहा है, ऊपर से नवरात्रि आने वाला है, तो उसके लिए मेरे को तैयारी करना पड़ रहा है। और ये देखिए, ये जो लकड़ी आपको दिख रहा है, ये लकड़ी जो है ना दुर्गा जी की स्ट्रक्चर है, इसी में मूर्ति बनाना होता है। और ये देखिए तंबू लग गया है, बरसात ये टेंट में लगा दिया हूँ, इसके अंदर मेरे को माता रानी की मूर्ति बनाना है। तो चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ कि अंदर मूर्ति कैसे बन रही है। ये देखिए इस प्रकार से मैं दुर्गा जी की तैयारी कर रहा हूँ। ये पैरा है और ये पैरा जो है इस तरह से देखिए, ये पैरा रखा हुआ है, ये हाथ पैर इस प्रकार से बांध के मैं अलग अलग गति बांध के रखा हूँ, किसी को जोड़ के मुझे दुर्गा जी बनाना होगा। और ये देखिए, ये अभी दुर्गा जी के स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। अब इसमें शेर को यहाँ ऐसे जोड़ देंगे तो पूरी दुर्गा जी तैयार हो जाएगी, इसके बाद मिट्टी का काम रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को वैसे भी पता है, मैं जब भी डांस वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सीखने में पहले, क्योंकि मैं हर एक डांस को जो है ना पहले अच्छी तरह से सीखता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा लगता है और हर कमेंट्स का जो है मैं जवाब दे भी नहीं पाता हूँ, पर मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की सभी कमेंट्स का मैं बारी बारी से जवाब दूँ। वैसे एक भाई का कमेंट्स मेरे को बहुत याद आता है, राधे श्याम यादव जी ने मेरे को एक कमेंट्स लिखा है और बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो मेरे वीडियो को दिन में 2 या 3 बार ज़रूर देखता है और सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखते समय आने वाला जो ऐड होता है उसको वो स्क्रॉल ही नहीं करता, पूरा का पूरा ऐड को भी देखता है, क्योंकि उनको पता है कि इसी ऐड से जो है हम लोगों को जो भी बेनिफिट होता है वो मिलता है। खैर इस तरह से मदद की भावना जो है, सैल्यूट भैया आपको, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने ऐसा ही करते हो और इनडायरेक्टली मेरे को मदद पहुंचा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। वैसे ये जो सपोर्ट की बात है, मैं भी शुरू से ऐसा करने की कोशिश किया हूँ कि हमसे कुछ हो सके। वैसे मैं आर्थिक तौर पर तो मदद करने लायक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि तन से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प किया हूँ। अगर कोई कुएं में गिर जाए या कहीं आग लग जाए तो मैं अपने तन की परवाह नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से जूझ जाता हूँ उस काम में, क्योंकि अपने यहाँ कुआं बावली बहुत है, बच्चे लोग अक्सर गिर जाते हैं, मैं बहुत बार कूदा हूँ कुएं में बच्चे लोग को निकालने के लिए। खैर एक बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि ये जब से ये राधे श्याम जी ने मेरे को इस तरह से कमेंट लिख करके लिखा है तो एक बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसका कापी ख़त्म हो गया था, कापी उसके पास नहीं था जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। तो मेरे को पता चला तो मैंने उसको कापी खरीद के देने की प्रयास किया हूँ, उसके चारों विषय का कापी खरीद के दिया हूँ। उसका वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो बच्चे को जब मैंने कापी दिया था, वो बच्चा इतना खुश था कि मेरे को, मैं मतलब बता नहीं सकता कि वो बच्चा कितना खुश हुआ उसको मैंने कापी दिया। तो मैंने बोला बेटा मन लगा के पढ़ाई करना है, तो बोला बिल्कुल जी अंकल जी, मैं बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करूँगा। तो हमारे गरीब लोगों में ये समस्या बहुत होता है किताब कापी का। तो मैं भी आप लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों के पास जब भी जैसे कोई पुराना किताब होता है, कापी होता है जो आपके यूज के ना हो, तो उसको ऐसे लोगों को दे दीजिए जो ज़रूरतमंद हो, उसको बेचिए मत। क्योंकि मुझे इस प्रकार का मदद बचपन से बहुत मिला है, लोगों का पुराना कपड़ा मिला है, पुराना किताब, पुराना कापी, ऐसे बहुत कुछ सपोर्ट मेरे को मिला है, क्योंकि उस समय मुझे ज़रूरत था। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा मुझे ऐसा ही एक गिफ्ट कभी मिला था। बेटा आओ इधर, रुकिए एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो कपड़ा बालक के पास दिख रहा है, ये जो कपड़ा, ये कपड़ा मेरे को बचपन में मिला था। ये आज बालक को पहना दिया हूँ, ये बालक पहन रहा है, लेकिन ये कपड़ा कभी मैं पहना करता था, सोचिए कब की बात है। लेकिन इस कपड़े को मैं सुरक्षित रखा हूँ और ये कपड़ा जो है ना मेरा एक दोस्त चिरंजीत, उसका नाम है दोस्त, अगर कभी भी आपको ये वीडियो पहुँचे तो सैल्यूट आपको।
तो ये वो कपड़ा है जो मुझे बचपन में मिला था, तो काफ़ी वो हेल्दी था, जिसके चलते उसको ये कपड़ा छोटा हो गया था, बहुत जल्दी ज़्यादा दिन तक वो पहन पा रहा होगा। और मेरे ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, इनाम है, और इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कपड़ा जो है ना यहाँ का नहीं है, ये कपड़ा देखिए इसमें गौर से, ये इजिप्ट का है। उसको छोटा हो गया था तो मेरे को दे दिया था, वैसे भी वो मेरे को बहुत कपड़ा देता था छोटे में, मेरे बचपन में, और भी कई प्रकार से मेरे को हेल्प किया करता था। तो दोस्तों यही गुजारिश आप लोगों से भी है, बेकार हो रहा है या आपके यूज लायक नहीं है, अगर हो सके तो उसको ऐसे ज़रूरतमंदों को ज़रूर दे दीजिएगा। और देखिएगा जब भी आप इस प्रकार से चीज़ किसी को देंगे, हेल्प करेंगे, तो वो कितना प्रसन्न होता है। और एक बात बताऊँ, सच्ची दुआ यही होता है। जिस दोस्त ने आज मेरे को उस वक्त ये कपड़ा दिया था, वो आज बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर है और सरकारी ऑफिसर है पश्चिम बंगाल में, तो मुझे खुशी है कि हमारा वो दोस्त बहुत बड़ा अफसर बना हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों से भी यही गुजारिश है। वैसे भी दोस्तों मैं हर रोज़ 200-250 रुपये कमा ही लेता हूँ, तो मेरा परिवार वैसे भी अच्छे से गुजारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छी तरह से ही गुजारा हो जाता है। और ये जो माता रानी की मूर्ति भी बना रहा हूँ अभी, ये साल में एक बार जो है ये मैं जैसे कि मूर्ति बना लेता हूँ, तो यही एक कमाई है जो मेरे पास स्टॉक में रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, तो इसको मैं आगे चल के इस्तेमाल करता हूँ, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ऐसे ऐसे। हाँ ये है कि हम लोग उतना शान शौका ज़रूर नहीं करते हैं, क्योंकि उतना ही करना चाहिए जितना अपने पास हो, बस यही विचार रखना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर मेरे से कभी भी होगा तो मैं ज़रूर करता रहूँगा, और यही उम्मीद आप लोगों से भी करूँगा। तो दोस्तों आज वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, आप लोग हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम।